केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली पर पेट्रोल डीजल में 10 और 5 रुपए की छूट दी और फिर राज्यों में अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल में छूट दी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं करने के खिलाफ टीम हल्ला बोल ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया है कि अगर इस ज्ञापन के माध्यम से भूपेश बघेल होश में नहीं आएंगे और भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के द्वारा जो वेट लगाया जाता है उसको कम नहीं किया जाएगा तो टीम हल्ला बोल मैदान में आकर लोगों के बीच जाकर पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगा कि केंद्र सरकार ने तो अपना वेट कम कर दिया है लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर इस काम को नहीं कर रही है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। जनता को जागरूक करने का काम राष्ट्रवादी मंत्री हल्ला बोल लगातार कर रही है। सुनीता मानिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी तक हम पिछले समय में देखते आए हैं कि पेट्रोल और डीजल की बड़ी बढ़ती दरों पे ये केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब चूंकि केंद्र सरकार एक स्टेप आगे आई, एक्साइज ड्यूटी कम की, कुछ राहत मिली जनता को, तो अब हमारी मांग भूपेश बघेल से यही है कि आप भी वैट कम करिए, क्योंकि वैट में आप जितनी कमाई पहले कर रहे थे, राज्य को जितनी कमाई पहले हो रही थी उससे बहुत ज्यादा हो रही है अभी बढ़े हुए रेट की वजह से। तो भूपेश बघेल को एक आईना दिखाने का काम है आज, केंद्र सरकार से जिसके पागे आई, इसके लिए आज राष्ट्रवादी मंच टीम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ मैदान में है और ये मुद्दा हम अभी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहेंगे। तो आज एक ज्ञापन देने का काम था, हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। आगे क्या कदम होगा? आगे हम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे, शर्म करो भूपेश बघेल, इस तरह की हमारे पास कई अभियान है जो इस पे लगातार चलने हैं जब तक ये वैट कम नहीं करते। प्रमोद सिंह कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए हल्ला बोल के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। हल्ला बोल के प्रदेश संयोजक प्रमोद सिंह ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार अभी तक पेट्रोल की बड़ी कीमतों के लिए केंद्र को कोसती थी, अब जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो राज्य सरकार प्रदेश में वैट कम करने पर आनाकानी कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमत कम करे। ताहिर अली, रतनपुर, बिलासपुर।